अस्सलामुअलैकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज करेंगे। सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो आज हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, उनके आंसर्स क्या हैं। ठीक है, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इन द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, एक सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, के एक स्पेस में कोई रीजन लिया है हमने और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है किसी भी चार्ज का, उनकी चार्ज की वजह से, फील्ड की वजह से, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और नॉन जीरो या नॉन जीरो होगी इन दिस रीजन, ये बताना है हमने कि जिस सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो या पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, एक्सप्लेन, ये हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि हम इसे कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, बस में जा ली, ये क्यू चार्ज ये वाला चार्ज है, ठीक है, और ये जो है हमारा के ये कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान का, ठीक है, चार्ज से और पॉइंट के दरमियान। अब देखो ये k और q कांस्टेंट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, डिस्टेंस के, समझ आ रही, डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज, अब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। अब जरा देखो इस चार्ज के गिर्द हम एक सर्कल इस तरह से सफेयर कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, सफेयर, और उस चार्ज के सेंटर पर ये उस सफेयर के सेंटर पर ये चार्ज रखा है, बस में जाएगी, सेंटर से सफेयर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, क्या कहलाता है बेटा, और वो रेडियस की वैल्यू सेम रहती है, रेडियस चेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, अब जब इस पूरी सरफेस के अलावा हम मूव करते जाएंगे, इस पूरी सरफेस के अलावा हम मूव करते जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो चेंज नहीं होगा बेटा, बस में जाएगी, क्यों, क्योंकि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं लेकिन हमारा चार्ज से और हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा बेटा, बस में जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कितना रह रहा है, आर रेडियस के बराबर रह रहा है, बस में जाएगी, हर पॉइंट पे हम यहाँ हैं तब भी हमारा डिस्टेंस कितना है चार्ज से, आर, इधर है तब भी डिस्टेंस कितना है बेटा, चार्ज से आर, इधर है तब भी आर, यानी मूव करते जा रहे हैं और हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जब डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता बेटा, बात समझ आ गई, पोटेंशियल सेम रहता है। तो अब वो कहता है कि आपका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है बेटा, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी बेटा, बात समझ आ गई, जीरो होगी या नॉन जीरो, हम चेक करते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडिएंट वाले टॉपिक से इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, पास में जा गई। अब देखो ये है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक चीज पोटेंशियल क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल है ये, जब आपके पास पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो उसका डेल्टा कितना होगा, जीरो, जब एक चीज कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं होगी, तो चेंज नहीं होगी तो उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो बेटा, बस समझ आ गई, तो ये वाली वैल्यू जो है हम इधर पुट कर देते हैं बेटा, ऐसे तो हम इसमें लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस जीरो ओवर डेल्टा आर, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, तो इसका आंसर क्या बन गया कि जब आप किसी कॉन्स्टेंट पोटेंशियल वाले रीजन में मूव करते हैं या रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है तो जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है जीरो, बात समझ आ गई। अच्छा जी बेटा,
कहता है क्वेश्चन नंबर टू, सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा, टू ए ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा प्रोड्यूस हुई है? पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से बेटा? पॉइंट चार्ज। मैंने पहले बताया हुआ है ऐसा चार्ज होता है जिसकी जो साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है बेटा? अगर दो चार्जेस ले रहे हैं हम, तो अगर उनके उनका जो साइज है उन चार्जेस की सेपरेशन से बहुत कम है, तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज। ठीक है। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा? बात समझ आ गई? तो ये बताना है हमने कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और वो चेंज कैसी हो रही है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इसी तरह पोटेंशियल का भी बताना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज। किसकी बेटा? देखिएगा जरा, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। बात समझ आ गई? तो इधर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी बेटा? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब देखो जरा कि आपके पास एक चार्ज है, ये इसको हम एक और क्यू नॉट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ये, और ये इस पोजीशन पे है बेटा। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? अलोंग द फील्ड लाइंस, अलोंग द, यानी कि मूव करके इधर आ गया है। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी का। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये आर ए है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर बी है बेटा। बात समझ आ गई? अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल पे क्या फर्क होगा, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे जब आप फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? वो बराबर होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू ओवर आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये तो कांस्टेंट होता है ये वाला फैक्टर, ठीक है, और ये चार्ज भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट पता चला कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बेटा। पास में डाली। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करें, वो भी फार्मूला ये होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, इधर आर स्क्वायर नहीं आता बेटा। ठीक है, तो क्योंकि हम वर्क डन मालूम करते हैं तो इसलिए फिर यहाँ पे आर नहीं आता। तो जरा देखो बेटा, इधर से भी ये चीज कॉन्स्टेंट है और ये भी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होती जाएगी और पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? तो अब देखो, पहले आपका डिस्टेंस चार्ज से थोड़ा था, जैसे आप फील्ड लाइन की डायरेक्शन मूव किया तो आपका डिस्टेंस पहले से क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पास में जाएगी। तो पता चल गया कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपकी आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा चार्ज से, तो जैसे चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बस में जा गई। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज बेटा? ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज हम कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा हम कैसे चेक करते होते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोस्कोप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं, ये बेटा इलेक्ट्रोस्कोप का लिड होता है या डिस्क होती है, ऊपर लगी होती है, ठीक है, कैप भी पढ़ते हैं इसको, और ये ब्रास की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ब्रास इज अलॉय, ठीक है, अलॉय होता है ब्रास, और उसके साथ एक रॉड लगा होता है। क्या लगा होता है? ये भी ब्रास का बना होता है बेटा, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर गोल्ड लीव्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? गोल्ड लीव्स, सोने की पत्तियां लगी होती है, ठीक है। तो अब देखो,
और ये सारा सिस्टम जो है हमने एक जार के अंदर इंक्लोज किया होता है, ठीक है? ठीक। और यहां पर हमने एक कॉर्क लगाया था, क्या लगाया था? इंसुलेटिंग कॉर्क। ठीक। अब हमने किसी तरह इस डिस्क के ऊपर, इस रॉड के ऊपर और इन गोल्ड लीव्स के ऊपर बेटा हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया हुआ है। क्या किया हुआ बेटा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बात समझ आ गई? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो बेटा ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? लीव्स पहले बंद थे, इस तरह से जैसे ही थोड़ा चार्जेस इनके ऊपर आया तो इस तरह से खुल गए हैं, क्योंकि दरमियान रिपेलिंग फोर्स आ गई है बेटा। पास में जाएंगे। अब आपने चेक ये करना है, वो कहते हैं आप किस तरह चेक करेंगे कि कौन सी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। आप उस प्लेट को बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स को क्या करेंगे, इस लिड के करीब लेके आएंगे। फर्ज कर लेंगे ये एक प्लेट है, टच नहीं करवाएंगे, करीब लेके आएंगे। ठीक है। तो अब सर देखो इसके ऊपर फर्ज कर ले क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इन चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इनके दरमियान रिपेलिंग फोर्स होगी। तो ये वाले जो चार्जेस थे इधर से मूव करके कहाँ आ जाएंगे बेटा, इस रॉड के जरिए और नीचे आ जाएंगे, यानी इधर चार्जेस की वैल्यू और बढ़ जाएगी बेटा। बात समझ आ गई? तो इधर चार्ज पहले से इंक्रीज हो गए, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई बेटा। ठीक है। जैसे चार्ज और इंक्रीज हो गया, इनके दरमियान रिपेलिंग फोर्स और बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, ये लीव्स इसके और ज्यादा खुल जाएंगे। बात समझ आई? तो क्योंकि हमें पता है कि चार्ज की मकदार बढ़ने से फोर्स उनके दरमियान क्या हो जाती है, इंक्रीज। कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेटा। ठीक है। फोर्स, अब देखो क्या हुआ था, पहले यहाँ पे चार्जेस मौजूद थे काफी सारे, जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से करीब ले गए, उन पॉजिटिव चार्जेस ने इन चार्जेस को क्या किया, रिपेल किया। क्या किया बेटा? तो रिपेल होने के बाद चार्जेस डिस्प्लेस हुए, चार्जेस इस रॉड के जरिए इन लीव्स के ऊपर आ गए बेटा, और ज्यादा चार्जेस आ गए। पहले चार्जेस कम थे, तो जैसे और ज्यादा चार्जेस आ गए तो ये जो लीव्स हैं ये और ज्यादा खुल गए बेटा। बस मजा आ गई। इनमें डाइवर्जेंस क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई बेटा? डाइवर्जेंस। जैसे डाइवर्जेंस में इंक्रीज हुई तो बेटा ये लीव्स खुल गए बेटा पहले से ज्यादा। तो हम कहेंगे ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम चार्ज है। कौन सा चार्ज बेटा? ये जो हम चार्ज लेके आए, ये वाला चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज हमें पता था पहले कौन सा था, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर भी कौन सा होगा। अगर ये इसके जो लीव्स हैं खुलने की बजाय थोड़े से बंद हो जाते तो हम कहते हैं ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ऑपोजिट चार्ज है, तो ये चार्ज कौन सा था, तो ये कौन सा होगा फिर, नेगेटिव बेटा। बात समझ आ गई? तो जब ये अपने डाइवर्जेंस को कम करेंगे तो बेटा फिर क्या होंगे, ये ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और अगर ये खुल जाएंगे पहले से ज्यादा तो हम कहेंगे सेम चार्जेस होंगे। बात समझ आ गई? ये हम इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है।